वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। और आकर जब भी ऐसी घटना घटे तो किसी को भी ब्लेम करो, कभी विक्टिम जो है वो खुद जिम्मेवार है, जैसा कि वो 14 साल की बच्ची के केस में हुआ, उसको लव अफेयर बताया। और मुझे याद पड़ता है पार्क स्ट्रीट का केस, जिसके अंदर उन्होंने उस विक्टिम के खिलाफ कुछ और कहा था। 40 दिन के भीतर 15 इस तरीके के मामले पाए गए पिछले 2022 के अंदर, क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो i.n.d.i.a वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।